जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास और इसका क्वेश्चन मैं अभी 3 to 4 5 क्वेश्चन ट्राई करूंगा। इस पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी वर्डिंग है कि क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल। इसमें से रैशनल और इरैशनल कौन से है? तो आप देखें, मैंने आपको पहले बताया है कि जो P by Q फॉर्म में आ जाए तो वो रैशनल होगा और जो ना आ सके वो हमारा इरेशनल होगा। सिंपल सी बात है। तो मैंने बता चुका था कि आपको, देखिए ये जो है P है, ये Q है, तो ये तो साफ दिखता है ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ये मैं लिख रहा हूँ रैशनल, ठीक है, टाइम बचाने R लिख रहा हूँ। अच्छा 15/2 ये भी P/Q फॉर्म, तो ये भी रैशनल है। और 7.25 को मैं डेसिमल में, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको मैं 7.25, इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 1। और आप देखें कटने के बाद ये P/Q फॉर्म में आ जाएगा, तो लिहाजा ये हमारे पास R, ये भी रैशनल नंबर है। अब आगे बारी इसकी, इसकी और इसकी। अब √29, हाँ अगर आपके पास ऐसा लिखा होता √4 होता, √4 2 का स्क्वायर होता है, कट के 2 आ जाएगा, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, लिहाजा ये P/Q। लेकिन चूंकि ये आप इसको नहीं काट सकते रूट को, तो लिहाजा ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। और ये पाए आपका, आपको पता होगा 3.1415 चलता जाता है, कभी रुकता नहीं है, और ये आपका रिकरिंग भी नहीं है, रिकरिंग भी नहीं है, लिहाजा तो ये आपका क्या हो गया, इरेशनल। तो ये भी आपका इरेशनल नंबर हो गया। अब बारी आ गई 29 रूट की, बिल्कुल √3 की तरह ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ लग चुकी है। आगे बढ़ते हैं। वो उसने बोला है कि फ्रैक्शन को डेसिमल कन्वर्ट इजी है हमारे पास, हमें वो ये नहीं बाउंड करेगा कैलकुलेटर के ना इस्तेमाल करें, तो हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको पता ही है आजकल बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको वो, वैसे तो बाउंड नहीं करेगा, लेकिन आप इसे 4 4 16, 3 कैरी थी बच गया हमारा और डेसिमल लगा 0, 3 7 28, 2 बचा, फिर 0 लगा, 4 5 20, तो 4.75 ये हमारा रुक गया, तो टर्मिनेटिंग नंबर है हमारा, टर्मिनेटिंग नंबर। तो मैंने फ्रैक्शन को डेसिमल कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। इस तरह के बकाया पार्ट आप खुद ही कर लीजिएगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 के उसने बोला है कि हमें ट्रू फॉल्स बताइए। इसमें यहां भी आपको नॉलेज, आपको पता होना चाहिए 2/3। देखिए ये पी ए क्यू, तो आपको पता है P/Q फॉर्म क्या कहते हैं, रैशनल, इज एन इरेशनल, गलत कह रहा है, तो ये फॉल्स है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। पाई इज इरेशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है, हमने यहां भी बोला इरेशनल, पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग, यानी इसे रिपीट नंबर्स नहीं होते, तो लिहाजा फिर हम ये कह सकते हैं बड़े आराम से कि ये हमारा पाई इज इरेशनल, तो ये ट्रू है। इसके बाद 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, और जो कि रॉन्ग लिखा हुआ है, क्योंकि 1/9 जब डिवाइड करेंगे, आपको पता है मैं दिखाता हूं 9 और 1, तो डेसिमल लगा 10 आ गया, 9 1s are 9, तो 9 बचा, 1 आ गया, फिर 0 आ गया, 9 1s are 9, ये 1 बचा, ये चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो ये असल में देखा जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो लिहाजा ये है तो रैशनल नंबर, लेकिन आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, और वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है टर्मिनेटिंग है, तो फॉल्स बनता है, तो ये है हमारा फॉल्स। 3/4 साफ दिखता है, 3/4 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3 को अंदर रख के 4 से बाहर, तो पहले डेसिमल लगा 0, 4 7s are 28, 2 बचा और 0 लगा, 4 5s are 20, देखिए ये रुक गया, और कुछ भी नहीं इसके आगे, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। और वो क्या कह रहा है कि 3/4 आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, बिल्कुल ठीक कह रहा है वो, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग ही है और ये भी टर्मिनेटिंग है, तो ये ट्रू हो गया। आप आगे बढ़ते हैं, 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन, तो अगर आप कैलकुलेटर में इसको टाइप कर लें, अगर आप इन चीजें बचना चाहते हैं, इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं, तो आप कैलकुलेटर में टाइप करें और आप देखें क्या बनता है 4/5। वैसे मैं ऐसे कर लेता हूं, 4 को अंदर रखा, 5 से किया, तो यहां पे लगा डेसिमल, 0 आया तो 8 14, तो 0.8 आ गया, और 0.8 तो रुक गया, और रिकरिंग फ्रैक्शन है तो रॉन्ग है, रिकरिंग तो है ही नहीं,
क्योंकि पॉइंट एट रुक गया इसके बाद, तो ये भी फॉल्स बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये उम्मीद है कि टॉपिक आपको बहुत आसान लग रहा होगा और समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन सिस्टम, थोड़ा सा ट्रिकी है मुझे, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप मुझे फॉलो करेंगे, समझ लगेगी। ये टू और थ्री का मतलब क्या है कि इसका मतलब है तीन में से दो, तीन में से दो। तो बनाना कैसे, देखिए ये जो हमारा नंबर जीरो है, यहां जीरो लीजिए, यहां वन खुद से ले लें, ठीक है। और इसको इस वाली लाइन को आप तीन हिस्सों डिवाइड करें, एक दो और तीन। देखिए ये एक हिस्सा, ये दो और ये तीन, तो ये क्या है, तीन में से दो हिस्से। तो ये नंबर जो है, ये जो नंबर है, ये हमारा टू बाय थ्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस फोर बाय फाइव दिख रहा है, ये नेगेटिव है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जीरो है, ये माइनस फाइव है, माइनस वन, आगे मैं नहीं बना रहा, हाँ इसके एरो जरूर दिखाइएगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे पता है कि ये क्या लिख रहा है, ये कहां पे है, ये असल में साफ दिखता है जीरो और माइनस वन के बीच में है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो अब ये कहां बनाने, कुल कितने पार्ट है, पांच पार्ट है, ये कितने पार्ट है, चार। तो पहले पांच पार्ट बनाइए, एक दो तीन चार, फिर देखिए एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार और पांच। तो पांच में से चार, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा माइनस फोर अपॉन फाइव को एक्सप्रेस कर रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ लग रही होगी। आगे मूव करते हैं, ये अब देखिए वन थ्री फोर्थ है, वन थ्री फोर्थ का मतलब है कि एक ये जो नंबर है ना, ये जीरो, यहां वन, यहां टू, अब मैं एरो, अब आप पूछेंगे सर कैसे पता लगा ये, अब आप यहां पे, नहीं वन का मतलब है ये नंबर वन के बाद आएगा, ठीक है, और ये आपका फोर, तो इसका मतलब वन के बाद आप इसके चार पार्ट्स बनाएंगे, ये देखिए चार पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन और चार, ये तीसरा तीन पार्ट, तो ये एक दो तीन, तो ये जो नंबर है ये हमारा वन थ्री फोर्थ है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे आराम से। आगे बढ़ते हैं, ये क्या लिखा है, माइनस टू, ये माइनस टू बताता है कि आपको आपको ये जीरो है, ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, यहां माइनस, अच्छा मुझे दिक्कत हो रही है, स्पेस का इश्यू है, तो मैं आपको बजाय सारा दिखाने के, मैं माइनस वन बल्कि माइनस टू यहां दिखाता हूं, और यहां माइनस थ्री, और बकाया मैं एग्जाम, अच्छा देखिए ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये नंबर ये मैच कर रहा है। अब 5-8 का मतलब है आठ पार्ट में से पांच पार्ट, तो आठ पार्ट में से पांच पार्ट, तो फिर इसके आठ पार्ट बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और ये कितने पांच है, पांच पार्ट, तो एक दो तीन चार पांच। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये बनता है माइनस टू फिफ्थ फाइव ओवर एट। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ लग रही होगी। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए साफ दिखता है क्या नंबर लिखा है, टू, तो यकीनन सी बात है इसको मैं ऐसे लूंगा कि मैं एरो यहां पे दो दिखाता हूं, यहां मैं तीन दिखाता हूं, और थ्री के फोर्थ का मतलब कुल चार पार्ट्स हैं, तो चार, एक दो तीन चार, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार, हमें तीन चाहिए, तो ये जो नंबर है मेरा ये टू थ्री फोर्थ है। उम्मीद करता हूं ये भी आपने बड़े आराम से समझ लिया होगा, लेकिन आगे आपको थोड़ा सा टफ है, आप देखते हैं कैसे कर। जी बच्चों ये लास्ट पार्ट है, देखिए कैसे डील करना है, रूट पांच को अगर आप टाइप करें कैलकुलेटर में तो बनता है 2.23, ये बता रहा है कि ये टू और थ्री के दरमियान में होगा, ठीक है। अब पांच कैसे बनता है, दो वे से बनता है, तीन जमा दो पांच और चार जमा एक पांच, इससे बात नहीं बनती क्योंकि ये किसी के नंबर का स्क्वायर नहीं है, और ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, जबकि ये जो है टू का स्क्वायर है और ये वन का स्क्वायर है, और आपने पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम, और वो क्या है, ये टू का स्क्वायर फोर, तो मैंने यहाँ पर टू का स्क्वायर लिया, ये वन का स्क्वायर वन, तो ये बनता है रूट पांच। तो आप देख रहे हैं कि ये टू है, ये वन है, तो टू का स्क्वायर फोर और वन वन स्क्वायर, फोर प्लस वन फाइव रूट, तो इसका मतलब है यही हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। लिहाजा फिर आप क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक आप 10 बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये कितने बॉक्स है, दो, तो यहां से दो और ये कितना है, एक, और यहां से एक, तो दो और एक पर जहां पे निशान लगा लें और उसको ये ट्रायंगल बना लें, जब ट्रायंगल बन जाएगी तो कंपस लेके यहां पे रखाइए कंपस की नीडल और यहां पे आग बना दें, तो ये वही आंसर है जो ये लिखा है 2.23। तो ये इस जब भी रूट फॉर्मेट क्वेश्चन आते हैं तो हम ढूंढते हैं कि कौन से दो नंबर्स का स्क्वायर करके वो नंबर आएगा, तो हम आदमी इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा, और दोबारा सुन लें, पांच का सिर्फ दो वेज हैं, तीन जमा दो पांच और चार जमा एक पांच, लेकिन तीन जमा दो जो है, तीन और दो, तीन किसी का स्क्वायर नहीं बनता, दो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, चार टू का स्क्वायर है और वन वन का स्क्वायर है, तो देखा जाए तो ये वो टू है जो ये है,
और ये वन वो है जो ये वन। उम्मीद करता हूं ये आपको आइडिया हो गया होगा। दैट्स